Quran, अमामा है तेरा निम्बर तेरा अर शेबरी या रहमली आलवी या रहमली आलवी साहब स्ट्रेट सवाल है क्योंकि ज़ाहिर तमीद का वक्त होता नहीं और मैं चाहता हूँ कि बात आपकी तरफ से बहुत वाजे तौर पर जानी चाहिए ठीक है इबादात जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन क्या शफात इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे होगी या शफात का मसला कुछ और है कुछ और मामला है हम लोग अरबी से वाकिफ नहीं है ये हमारी एक कमजोरी हालांकि जो रोजमर्रा की गुफ्तु है उसमें सैकड़ों अल्फाज अरबी के मौजूद हैं लेकिन पड़ी होती तो कितने इबहम और कितने इख्तलाफ खुद ही खत्म हो जाते हैं जैसे लफ्ज मीलाद मीलाद पैदाइश को कहते हैं अब पैदाइश मनाना क्या गलत बात है <laughs> यानी सिर्फ माना मालूम हो जाता तो ये झगड़ा ही ना होता हाँ। शफात अब कुरान करीम पढ़ने वाले ने यह लफ्ज़ कुरान में जगह जगह पढ़ा है हाँ। मंजल लजी यशफो इंदू अल्ला बिजनी आयतल कुर्सी सभी को याद आहा, होती। आहा, क्या खूबसूरत हवाला है ठीक है लफ्ज़ शफात के उर्दू में फ़ारसी का लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में राइज सफ़ारिश इंटरसेशन आप इंग्लिश में कह लेंगे कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कोई धौंस है अल्लाह की बारगाह में कोई अपना रोब जमाना है या अल्लाह के फैसले को बदलना है ऐसी कोई बात नहीं वाह अल्लाह को अपने हबीब पाक अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उस मोहब्बत में मसलन मैं समझाने के लिए कहूँ कि एक बादशाह अपनी काबीना के किसी शख्स को ख़ास दर्जा देता है और उसकी वजाहत वजाहत का मतलब उसकी अपेयरेंस उसकी इज़्ज़त उनमें नुमाया करता है और उसको इख्तियार देता है कि तुम मेरी बारगाह में इन सब के लिए जिसके लिए चाहो कुछ भी पेश कर सकते हो मैं तुम्हारी बात रखूँगा वाह 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 वा। ये वो खुद कह रहा है और इख्तियार दे रहा है मन अजीन रहमान कुरान के अल्फाज हैं जिसने इजाज़त दी हो इजाजत दी हो वाह तो ये बादशाह का दिया हुआ इख्तियार है और ओती तो शफा जो पांच चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला को खास तौर पर मिली है किसी और को नहीं मिली उनमें ये शफात मौजूद अल्लाह दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब या तो आदि उम्मत बख्श देते हैं आह क्या खूबसूरत हवा है वाह या शफात ले लें आह तो हजू ने शफात ले ली आय अब यह शफात दस कस्म की होगी ये दस की दस कस्में शेख मुहक़िक हज़रत शाह अब्दुलद देलवी ने अपनी किताब में लिखी है वाह सुबह अल्लाह। और हुजूर सल अल्लाह वसम के रोज़े पे जाने वाला हर शख्स जब जन्ना से मवाज़ा शरीफ की तरफ जाना चाहता है तो वहाँ वो जो पीतल के दरवाज़े बने हैं उनमें एक हदीस अभी भी लिखी हुई है इस तरफ भी और उस तरफ भी दो हदीसें हो गई के शफाती ले कबाईरी मिन उम्मती। आहा मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनागारों के लिए है। और दूसरी तरफ ये हदीस है कि मेरी शफात हक है मगर किसके लिए जो उसको मानता हो आय यानी तो मसला ये हो गया <coughs> क्या बात है और जो उसका अहल हो हाँ। अब ये हमने बात जो करनी है <coughs> माफी चाहता हूँ बात जो करनी है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत इज्जत वाले हैं वकाना वजीहा। और हमें भी हुक्म दिया है वह तो हो तो ठीक है अब पहली बात तो ये तय हो गई कि वो किसी की तरह नहीं है कोई उनकी तरह नहीं है वाह वाह वाह। वा, तय हो गया खूबसूरत बात है ठीक है जब यह तय हो गया कि हमारी तरह नहीं हम उनकी तरह, तरह नहीं।, नहीं तो फिर अब मैं इसको एक और मिसाल दे रहा हूँ अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है कि उसका होना लाजमी है। ठीक है ना कोई इब्तदा ना कोई इंतहा यह सोचा ही नहीं जा सकता कि वो कभी नहीं था सही अल्लाह के सिवा जो हैं वो मुमकिन वजूद हैं ठीक नूरानी ना होता कायनात होती हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक हाँ। है ठीक है मगर ये हस्ती जो है अल्लाह परमाता है, इसे ना बनाता तो कुछ भी ना बना बनाता, भी ना, बनाता। देशक, 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 आए, 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 ना वो वाज़िबुल वजूद है ना वो मुमकिन वजूद वो है क्या खूबसूरत बात है अब कौन अब ये जो नापने लग जाते हैं या कहते हैं जी हमारी तरह तो वो हमारी तरह, तरह तो नहीं है हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शान दी उसमें ये शफाअत दी अब इसको आप वो कंपल्सरी की लिस्ट से अगर निकालना चाहते हैं तो किस बुनियाद पर आप कोई बुनियाद बता दें अच्छा मैं अब आपके सामने एक और बात रख रहा हूँ हाजी शफात करेगा ठीक है वो शख्स जिसने सही हज अदा किया ठीक है और हज करने के बाद उसको खराब नहीं किया ठीक है वो अपने खानदान की दोस्तों ग्यारो की एक रिवायत में सत्तर और एक में दो सौ हु। अफराद की शफात करेगा ओहो, हाफिज़े हाफिज कुरान हमारे यहाँ कहा जाता है जिसने कुरान याद कर लिया हाफिज कुरान तो अल्लाह वैसे जिसने कुरान याद कर लिया और उसके बाद उसको याद रखा सही अमल किया अपने ख़ानदान के दस अफराद की शफात करेगा जो अपने अमलों के सबब जहन्नमी होंगे आ हा <coughs> आलम दीन अनगिनत की शफात करेगा अल्लाह अल्ला शेख अल्ला कामिल आहा। अब मैं ये दर्जे इसलिए बता रहा हूँ अच्छा फिर आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं बच्चों की नाबालिग बच्चे की नाबालिग बच्ची की तो शाफ व मुशफ़ा उसके लिए कहा जाता है लड़के आह, के लिए शाफ आता व मुशफ़ा लड़की के लिए कि इसको हमारा सफारशी बना और ये गवाही मौजूद के बच्चे माँ बाप के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे आए, हाए, हाए। आड़ बन जाएंगे उनके दरमियान तो जब मैं इन सबकी शफात को मान रहा हूँ और कंपलसरी भी समझ रहा हूँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के बारे में कैसे शुभ हाय, ये एक खास मेहरबानी है जो नबी पाक को अता हुई है और मकाम महमूद का मतलब ही मकाम शफात है सुबह अल्लाह। आप जो बात कर रहे हैं ना इबादत और शफात दोनों के यानी ताल्लुक से ये असल में आबिद और महबूद के दरमियान आबिद इबादत करने वाला महबूद जिसकी इबादत की जा रही है उसके दरमियान एक वास्ता नबी करीम वसल्लम की जात को चूंके रहमत बना के भेजा हाँ। गया तो अब वो जो प्रोफेसर साहब ने इशारे में बात की ना कि लोगों को मायूस नहीं करना है लेकिन ये नहीं है कि जीरो हो बस शर्त ईमान है अगर अमल में कमजोरी होगी ईमान मौजूद है अमल में कमजोरी होगी तो नबी पाक अलैहि वसल्लम की शफात से वो सजा से बचेगा। अच्छा इसमें एक सवाल जो पैदा हो मैं चाहता हूँ उस पर भी आप कलाम फरमाइए मैं अपनी बात करूँ फर्श कीजिए मुझे नाज है इस बात पर साहब कि मैं तो इबादतों की वजह से बख्श दिया जाऊँगा मुझे क्या जरूरत माजल्ला माजल्ला माजल्ल्ला शफात की मैंने इतनी इबादतें की हैं इतना सब कुछ किया इतने सदकाव खैर किए हैं मुझे यकीन है इस बात पर मैं अपने सज्दों की बुनियाद पर बख्श दिया जाऊँगा इसका जवाब खुद नबी करीम ने खुद दिया जी कि जिसकी भी बख्शिश होगी अल्लाह के फजल पर आहा। ये खुद फरमा दिया ने आगे से पूछ लिया हुजूर आपकी भी फरमाया हाँ मेरी भी आहा। थी उनकी उनकी अजिजी थी।, थी हम उसको सनद नहीं बनाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने का मतलब ये कि अब उसका वाकया सुना दिया कि एक शख्स पेश हुआ उसने कोई गुनाह नहीं किया था एक भी गुनाह नहीं किया था जब उसका नामा यामाल पेश हुआ कोई गुना नहीं है इसको मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ उस बंदे ने कह दिया मौला जब मैंने कोई गुना ही नहीं किया तो फजल का क्या मतलब ये तो अदल की बात है अल्लाह ओह हो मैंने तो कोई गुना ही नहीं किया फरमा नहीं की ये तो अदल फरमाया इसको मेरे अदल से दो जख्म में ले जाओ अल्लाह अब वो परेशान ये क्या बात हो गई वर्मा तो सर से लेकर पांव तक वजूद में किस चीज़ का हक अदा किया है इतनी नेमतें हैं किसी एक का हक क्या अदा किया है तो ये तो मेहरबानी है कि बख्श रहे उसने तोबा की तो इससे पता चल गया कि अमल अब मिसाल के तौर पर आप किसी एक अमल का नाम लीजिए नमाज का ले लीजिए रोज़ा जक़ात हज ये तो बुनियादी है ना आप किसी एक अमल पर दावा कर सकते हैं मैं वही तो कर रहा हूं। एक पे दावा है क्या नहीं कोई जो जितना भी मुतकी हो हाँ हाँ। वो दावा कर सकता है सवाल ही नहीं तो फिर जब दावा नहीं हो सकता तो मैं अब ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला क्यों बनाता हूँ हाँ हाँ। अल्लाह वालों को क्यों कि हालांकि अमल भी वसीला है मगर मेरे अमल में शक है नबी में शक नहीं अल्लाह ये है बात सनद वाली कि हमें अपने वो चीज चूंकि कुरान में खुद बयान हुई और नबी ता, नबी करीम की शान है ये अल्लाह तुमको ये इख्तियार दिया है तो उस इख्तियार नमाज की जो अजान की जो दुआ है क्या दुआ करते हैं या अल्लाह ये कायम होने वाली नमाज और इसके रब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला आता तो, दर्जा आता अब ये वसीला मकाम है एक जन्नत का खास

तो हम भी शफात के वसीला के तमन्नाई बन के अपनी झोली भरते हैं। जी। वो जो शेर है ना क्या ही जोकफजा शफात है तुम्हारी वाह वाह हाँ। क्यों उस दिन नेक जो है ना वो दूसरों से कहेंगे गुनाह में दे दो ताकि शफात का मजा ले ले हाय 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 कुरान में है यौमा यफिर्रुल मर ओ मिन अखी भागेगा माँ बेटे से बेटा माँ से आगे भाई आगे से बहन से पचास हजार साल के बराबर एक दिन आगे। आगे। सूरज सवा मील पर आज करोड़ों मील दूर है डिग्री हो जाए तो की गर्मी कहते हैं उस दिन सवा मील पे होगा तो कितने वो सेल्सियस मीटर सारे फेल हो जाएंगे माँ जब इकलौते को भूले आ आ कह के ये क्या बात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में एक मैार हैं, नमूना आए, है आए। मिसाल है इलाही को देखने की जांचने की कि जिसका हबीब रहमतमीन ये है हाँ। वो खुद कितना होगा आए, और शायद आपने ये बात सुनी हो कि अल्लाह की सौ रहमतें हैं एक जाहिर हुई है दुनिया में निन्यानवे क़यामत में जाहिर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो जब एक पे इतनी मेहरबानी है निन्यानवे पे कितनी होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु तो तो अलैहि वसल्लम के बारे में रब ने हुक्म दे दिया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊ और लोग जब अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो डायरेक्ट मेरे पास ना आए मेरे हबीब की बारगाह में जाए और उसके बाद एक और शर्त वहां जाकर अल्लाह से माफी चाहे हाँ हाँ। और रसूल सफारिश करें। सफारिश करें हाँ हाँ। रही क्या हाँ। बात? क्या बात बात फिर अल्लाह को पालेंगे तोबा कबूल करने वाला और मेहरबान तो ये चैनल तो खुद दिखाया है रब ने क्या बात अभी आप बात कर रहे थे अभी आप बात कर रहे थे अगर टाइम हो तो समझा सर प्लीज मिसाल प्लीज बल्कि वो बात भी आप समझाइए वो जो हदीस मुबारक का हवाला था वो जरूरी है बात समझाना जी बाप हो गया बेटे हाँ। पर। हाँ। बेटे को पता चल गया कि मैंने गलती कर ली हाँ। है और बाप ने मेरी दुर्गत बना दे बना देनी है सीधा गया तो खैर नहीं वो सोचने लगा मेरा बाप सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है आये हाय वो गया उनके पास चाचा जान गलती हो गई ये समझने के लिए आ, बात है, कोई नहीं, है, हो, नहीं है चाचा जान गलती हो गई अब्बा जान गुस्से में है वादा करता हूँ आइंदा नहीं करूँगा कोई गलती नहीं करूँगा नाराज नहीं करूँगा आज माफी दिला दें उन्होंने देख लिया वाकई शर्मिंदा पूछा क्या वादा करते हो कायम रहोगे जी बिल्कुल अब वो उसको पीछे लेके आते उधर बाप डंडा लेके तैयार है कि आएगा तो मैंने खबर लेनी है दरवाजा खोला तो सामने प्यारा दोस्त क्या गुस्से से मिलेगा या प्यार से हुँ मिलेगा हुँ उसने दोस्त को देखा गले मिला बड़े मुस्कुरा के पीछे था बेटा उसने कहा देखो मैं लेके आया हूं तुम्हें गुस्सा है ना इसने है किया वादा करता है ना फरमानी नहीं करेगा अब तुमने इसको नहीं देखना मुझे देखना है हुँ हुँ ये समझने के लिए बात की हम अल्लाह के मुजरिम हैं है जूर की बारगाह में है क्योंकि अल्लाह नबी पाक को जिस प्यार से देखता है अल्लाह उनके दामन में छुपेंगे तो दामन है। में छुपे नोखा तेरा क्या बात ठीक है, है ना हाँ। तो ये है मिसाल हाँ। अब वो जो हदीस शरीफ की बात थी के हजरत आदम के पास क्योंकि इतना बड़ा दिन है जिसका जितना गुना होगा उतना उसका पसीना होगा हाँ हाँ हाँ। वो अब जितना ज्यादा है कोई डूबे हुए होंगे कोई कम होंगे तो वो अब कहेंगे कुछ तो पता चले साया कोई नहीं है ज़मीन तांबे की बन चुकी है दिमाग उबल रहे हैं कोई ए, नफसी 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 का मतलब मेरी जान मेरी जान मुझे अपनी पड़ी है ठीक है कोई तो को, वजन ही हो जाए गुनाह का फैसला ही हो जाए फैसला सब करते हैं किसके पास जाए हजरत आदम के पास चलते है।, है।, है ये हदीस पड़ी थी बार बार सुनी थी भुला दी जाएगी भुला दी जाएगी अच्छा ये है माजरा फकत इतना सबब है इन एक बजम माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है आए हाए नहीं मानते थे ना आज देखो हजरत हाँ। आदम के पास गए कहे। वो कहेंगे लस तो लहा मैं इस काम के लिए नहीं हूँ अल्लाह बड़े गजब में है किसी और के पास जाओ इज अबू इला गैरी यहाँ किसी और का कहें तो फतवा लगता है किसके पास जाए नू सलाम के पास उनकी अल्लाह ने कश्ती पार लगाई थी आज हमारी पार लगाओ वो भी कहेंगे लस लस्तोला किसके पास जाए इब्राहिम किसके पास जाए जा सलाम। सलाम। सबके सब कह रहे हैं लस लस्तोलाहा आगे पहुंचे हजरत ईसा के पास आए, वो कहेंगे तुम भूल गए हो भूल गए <laughs> एक ही अस्थि है आज जो काम आएगी हजूर के पास आए तो कहा अना लहा मैं इस काम मैं के, के इस लिए हूँ और फिर हमद का झंडा लेकर निकलेंगे सजदा करेंगे कितना लंबा उसकी कोई मुद्दत नहीं बताएगी ऐसे अल्फाज में रब की तारीफ करूंगा किसी ने नहीं किए होंगे अल्लाह ताला देगा ना ऐसा इल्म फिर सजदा करेंगे अल्लाह फरमाएगा चेहरा उठाइए ये आपको झुकाने के लिए नहीं है आपके माथे शफात का ताज पहनाने के आग लिए इरफा रासक सल तोता वशफा तो शफा आहा। मांगो दिया जाएगा सिफारिश करो सिफारिश करें कबूल की जाएगी हाय 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 क्या बात है हुजूर फरमाते मैं इशारा करता जाऊंगा लोग जाते जाएंगे अल्लाह ये शान होगी और ये रब तआला की अता तो हम अभी से उसके तमन्नाई बनते हैं हमें पता है हमने नमाज पढ़ी है टूटी फूटी रोजा पूरा है नहीं है असल बात वहाँ बनेगी क्या बात बस ये ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ नाजी ये पैगाम है जो अलामा साहब से आज हमने और डॉक्टर साहब से गुफ्तु की है एक्चुअली इस गुफ्तु का एक मकसद था कि ये बिला वजह की जो फूंफा है ना हमारे वजूद के अंदर जी हम कुछ हैं कुछ भी नहीं है फारग हैं बस जो हैं वही हैं उन्हीं का दामन पकड़ लें सब कुछ मिल जाएगा इन शुरु अमाम तेरा Mimbar tira al ya rahmatul alamin, ya rahmatul alamin.